नमस्कार मम्मा बच्चा में आप सबका स्वागत है। पेरेंट्स कितने भी अटेंटिव हो जाएं, कितना भी ध्यान रख ले, पर मुझे लगता है शायद ही कोई बच्चा हो जो एटलीस्ट एक बार सोफा बेड या चेयर से गिरा ना हो। तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे अगर कभी बेड से गिर जाएं तो हमें क्या करना चाहिए और किस सिचुएशन में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। बेबी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मामा बच्चा को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए। जब भी बच्चा बेड से गिरता है तो बहुत ही रेयर केस होता है कि बच्चे को कुछ सीरियस इंजरी हो। रीजन इसका ये होता है कि बच्चे के जो टिश्यूज होते हैं वो रीजनरेट होते रहते हैं, बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और बच्चे की जो बोन्स हैं हम एडल्ट से कंपेयर में काफी फ्लेक्सिबल होती हैं। तो जब भी बच्चा गिरता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि बोन फ्रैक्चर हो या ऐसा कुछ हो। बट अगर बच्चा कभी 3 फीट या उससे लंबी ऊंचाई से गिरे तो वहां थोड़ा टेंशन वाली बात होती है। तो हम इसलिए बात करेंगे अब कि हम क्या करें जब अगर बच्चा बेड से गिरे। तो सबसे पहली बात, जब भी आपका बच्चा बेड से गिरे ऑब्वियसली वो उस टाइम पे रोएगा, हो सकता है उसे पेन भी हो रहा हो, वो घबरा जाता है उस टाइम पे, तो आप उसको फटाफट काम करिए। उसको काम करने के लिए अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं बच्चे को तो उस टाइम पे ब्रेस्ट फीड दीजिए, थोड़ा सा बच्चा काम हो जाए, फिर आप चेक करिए कि कहीं उसे कहीं भी लगा तो नहीं है, उसके हेड पे किसी तरीके की इंजरी तो नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है किसी भी पार्ट से तो आप फटाफट डॉक्टर के पास जाइए। दूसरी चीज ये चेक करिए कि बच्चा कहीं कॉन्शियस तो नहीं है, एकदम से बेहोश टाइप का हो रहा हो या वॉमिट कर रहा हो, तो आपको तुरंत के तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है एक सीरियस कंडीशन हो। आप ये चेक करिए कि कहीं बच्चे को स्वेलिंग तो नहीं है। कई बार होता है कि बच्चे गिरते हैं और एकदम से बबल टाइप का हो जाता है, वो बबल देखा जाए तो उसके लिए घबराने की बात नहीं होती है, वो कुछ घंटों में सही हो जाता है। पर उसको सही करने के लिए आप उसमें आइस का सेक कर सकते हैं। उसको करने के लिए आपको क्या करना है, एक हैंकी लीजिए या कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से एक आइस क्यूब को रखिए और उसके बाद उस कपड़े को लपेट के बच्चे का जहां भी पार्ट, जो भी सर में या कहीं भी अगर फूला हुआ दिख रहा है, स्वेलिंग है, तो उसको आप हर घंटे 3 या 4 मिनट के लिए थोड़ा सा उससे सिकाई करिए, तो बच्चे का जो भी ये स्वेल्ड एरिया है वो जल्दी से सही हो जाएगा। आइस से आप सिकाई फीडिंग के टाइम पे कर सकते हैं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चा क्योंकि आइस से सिकाई शायद ही करवाए, तो इसलिए आप जब भी बच्चे को फीड करा रहे हैं उस टाइम पे कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि कई बार क्या होता है, बच्चे को लगता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है, हम कई बार समझ नहीं पाते, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होती है, तो थोड़ा चेक करिए, हो सकता है 24 घंटे के अंदर कभी बच्चे की नोज ईयर या आईज से कुछ ब्लड जैसा दिखे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप फटाफट डॉक्टर के पास जाइए क्योंकि हो सकता है कुछ सीरियस इशू हो। लास्ट थिंग, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना बच्चे का कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है ना कुछ स्वेलिंग हो रही है, लेकिन बच्चा कॉन्स्टेंटली रो रहा है, बिल्कुल रोए जा रहा है, तो आप भी उस केस में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है जिससे कि आप एटलीस्ट डॉक्टर चेक करके बता सके कि हो क्या रहा है बच्चे के साथ। लेकिन बच्चा गिरे नहीं, हमें पता है, हम एज अ पेरेंट हम हर एक चीज का ख्याल रखते हैं कि कैसा भी होके बच्चा गिरे नहीं, बट आपको प्रिकॉशंस कुछ लेने पड़ेंगे। जैसे अगर बच्चा सो रहा है, अगर क्योंकि बच्चे क्रॉलिंग करने लगते हैं और बच्चे चलने लगते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, उनका गिरना तो बहुत ऑब्वियस होता है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, जब बच्चे को आप बेड पे सुला रहे हैं तो आप जिस साइड ओपन है बेड उस साइड पे आप चाहे तो एक पिलो रख सकते हैं, तो जिससे कि बच्चा अगर कभी करवट ले सोते सोते तो एटलीस्ट वो पिलो के सहारे से वहीं रह जाए, उस साइड रोल नहीं कर पाए। ऐसे ही आप कोशिश ये करिए कि मैट्रेसेस को चाहे तो रूम में नीचे ही रख लीजिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं, एटलीस्ट बच्चे सेफ रहेगा। सो आई थिंक ये कुछ प्रिकॉशंस जो आप ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, फटाफट इसे लाइक करिए हमारे चैनल का। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए जिससे आगे और भी आपको बेबी रिलेटेड वीडियोज देखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।